वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आई होप आप सभी बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर आज से देखा जाए तो आपके एग्ज़ाम के लिए 23 डेज ही बचे हुए हैं यूपी ट्रिपल एससी पीटी के लिए। 15 और 16 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम है, पीटी का पैट का एग्ज़ाम है आपका, और इसके लिए मात्र 23 दिन शेष बचे हुए हैं। और ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर लगातार यूपी ट्रिपल एससी पीटी के लिए रिवीजन सीरीज चल रही है, तो इसको फॉलो कीजिए। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर प्रैक्टिस चल रही है तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। प्रैक्टिस क्विज लगाइए, डेली आपके लिए प्रैक्टिस क्विज लगवाए जाते हैं, तो उसको बिल्कुल भी मिस ना करें। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन का टेलीग्राम चैनल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप हमारे कोई पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी जानकारी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, दिए गए नंबर्स पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और रिवीजन के इसी क्रम में भारतीय अर्थव्यवस्था विषय के अंतर्गत पहला टॉपिक कवर किया था हमने, योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना। तो 5 ईयर प्लान्स देखे थे और योजना आयोग देखा था हमने। इसके आगे आज देखेंगे अगला टॉपिक हरित क्रांति। तो हरित क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे, सभी एक एक करके कवर करेंगे। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 1960 के दशक की बात है जब हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ और आरंभिक चरण में कृषि में कुछ नए तकनीकों की शुरुआत हुई और ये तकनीकें ऐसे थी जो खाद्यान्न उत्पादन में एक क्रांति ले आई। तो इन तकनीकों के द्वारा खाद्यान्न का उत्पादन लगभग 250% तक बढ़ गया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन था जिसने एक क्रांति का स्वरूप लिया। तो 1960 के आरंभिक दशक में जो आरंभिक चरण था उसमें कृषि में कुछ नई तकनीकें आई जो कि विश्व भर में हरित क्रांति के नाम से जानी जाती हैं, तो इसे ही हरित क्रांति कहते हैं। अब इन तकनीकों के प्रयोग से सबसे पहले तो गेहूं की खेती में उत्पादन प्रारंभ किया गया। और जो पहला दशक था, इसके 2 दशक रहे, हरित क्रांति के 2 चरण रहे। तो पहले चरण में गेहूं की खेती पर फोकस किया गया और गेहूं की खेती के लिए इन तकनीकों का प्रयोग किया गया। और फिर जब दूसरा दशक आया, दूसरा चरण आया, तो उसमें धान की खेती भी की गई इसी के तहत, इन्हीं तकनीकों के तहत। तो इन तकनीकों के द्वारा खाद्यान्न उत्पादन में क्रांति आई और उत्पादकता में लगभग 250% से भी अधिक बढ़ गया। हरित क्रांति के पीछे सबसे बड़ा हाथ जर्मन वैज्ञानिक नॉर्मन वोरलॉग का था। तो ये एक जर्मन वैज्ञानिक थे, नॉर्मन अर्नेस्ट वोरलॉग, और इनको विश्व में हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है, महत्वपूर्ण है। 1960 के दशक की शुरुआत में मैक्सिको में बिट्रिस रॉक फ्लोर फाउंडेशन स्कॉलरशिप पर ये अनुसंधान कर रहे थे और इनके द्वारा इस तकनीक का विकास किया गया। बोलोग द्वारा विकसित उन्नत किस्म के गेहूं के बीजों के द्वारा उत्पादकता लगभग 200% से भी अधिक बढ़ गई। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन था। वर्ष 1970 में नॉर्मन वोरलॉग को उच्च उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने के लिए और उनके कार्य को सराहना देने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो 1970 में इनको नोबेल शांति पुरस्कार से भी नवाजा गया और इन्होंने हाई यील्ड वेराइटीज़ वाली बीजों को विकसित किया, किस्मों को विकसित किया। इसके अलावा भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व किया एमएस स्वामीनाथन ने। तो एमएस स्वामीनाथन जो हैं, इनको भारतीय हरित क्रांति का जनक कहते हैं और या फिर भारत में हरित क्रांति का पिता इनको कहा जाता है, एमएस स्वामीनाथन। और अगर विश्व में, तो विश्व में नॉर्मल अर्नेस्ट वोरलॉग हो जाएंगे और भारत में एमएस स्वामीनाथन हो जाएंगे। 1943 की अब बात कर रहे हैं, अगला तथ्य 1943 से संबंधित है। भारत विश्व में सबसे अधिक खाद्य संकट से पीड़ित देश था उस समय, 1943 के समय की बात है। बंगाल में अकाल के कारण पूर्वी भारत में लगभग 4 मिलियन लोग भूख से मर गए थे, भूख के कारण मारे गए थे। 1947 में आज़ादी के बाद 1967 तक सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर कृषि क्षेत्रों के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया गया। हरित क्रांति के परिणामस्वरूप खाद्यान्न विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई, जिसकी शुरुआत 20वीं शताब्दी के मध्य में विकासशील देशों में नए उच्च उपज देने वाले किस्म के बीजों के प्रयोग के कारण हुई। इसकी प्रारंभिक सफलता मैक्सिको और भारतीय उपमहाद्वीप में देखी गई। हरित क्रांति ने कृषि भूमि के विस्तार में सहायता प्रदान की। दोहरी फसल हरित क्रांति की प्राथमिक विशेषता थी। इसके तहत वर्ष में एक के बजाय 2 फसल प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। तो अब यहाँ पर क्या, दोहरी फसल का उत्पादन किया जाने लगा। जैसे वर्ष में एक फसल उत्पादित की जाती थी, अब उसी ज़मीन पर 2 फसलें उत्पादित किए जाने का निर्णय लिया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा उच्च उपज देने वाले बीज मुख्य रूप से गेहूं, चावल, बाजरा और मक्का के बीजों की नई किस्मों का विकास किया गया। इसके बाद फिर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भी उच्च उपज देने वाले बीज की किस्मों का विकास कर लिया। भारत में हरित क्रांति मोटे तौर पर गेहूं की क्रांति है, क्योंकि वर्ष 1967-68 और 2003-04 के मध्य
गेहूं के उत्पादन में 3 गुना से अधिक वृद्धि हुई, जबकि अनाजों के उत्पादन में कुल वृद्धि केवल 2 गुना थी। तो अधिकांशतः अगर देखा जाए तो सबसे मुख्य फसल इस क्रांति की गेहूं को माना जाएगा। वर्ष 2005 में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने हरित क्रांति कृषोन्नति योजना की शुरुआत की। भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है और उनके द्वारा सदाबहार क्रांति की आवश्यकता का आह्वान किया गया था। सदाबहार क्रांति के तहत यह परिकल्पना की गई कि उत्पादकता में वृद्धि केवल उन्हीं उत्पादों की होनी चाहिए जो पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित हैं और आर्थिक रूप से व्यवहार्य और सामाजिक रूप से टिकाऊ हों। हरित क्रांति के पहले चरण में 1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक के मध्य, तो ये पहले चरण की बात हो रही है। और ये पहला चरण लगभग कब से कब तक चला था? 1967-68 से लेके 1979-80 तक चला था, ये पहला चरण चला था। तो इस दशक की बात हो रही है। इस समय हाई यील्ड वैरायटीज़ जो बीज थे उनका प्रयोग पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे अधिक समृद्ध राज्यों तक ही सीमित रहा। तो इन इन राज्यों में इसका प्रयोग किया गया। तो पहले चरण में पंजाब था और ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इसके अतिरिक्त हाई यील्ड बीज जो वैरायटीज़ बीज थे इनका लाभ केवल गेहूं के उत्पादन करने वाले क्षेत्रों को ही मिल पाया। तो जहाँ जहाँ जिस जिस एरियाज़ में गेहूं का उत्पादन होता था वहीं पर इस क्रांति का लाभ मिला। हरित क्रांति का जो दूसरा चरण चला 1970 के दशक के मध्य से 1980 के दशक के मध्य तक, तो ये दूसरा जो चरण चला मतलब 78-80 के बाद, मतलब 1980-81 से 1989-90 तक दूसरा चरण जब चला, तो इसमें हाई यील्ड जो वैरायटीज़ के बीज थे उनकी प्रौद्योगिकी का विस्तार कई राज्यों तक पहुंचा और कई फसलों को लाभ मिला। किसानों के द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा गया अंश ही विपणित अधिशेष कहलाता है। तो विपणित अधिशेष क्या कहलाता है? जो कि ऐसा अंश उत्पादन का जो किसानों के द्वारा बाजार में बेचा जाए उसको कहते हैं विपणित अधिशेष। 1960 के दशक के अंत तक देश में कृषि उत्पादकता में वृद्धि से भारतीय खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता आ गई। यह निश्चय ही गौरवपूर्ण उपलब्धि थी, क्योंकि जो देश अकाल में भूख से मर रहा है, जहाँ पर कई लोग भूख से मर चुके हैं, तो उस देश में उस समय ऐसे परिवर्तन आना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसके बावजूद नकारात्मक पहलू यह रहा कि 1990 तक भी देश में 65% जनसंख्या कृषि में लगी थी। अर्थशास्त्री इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जैसे जैसे देश संपन्न होता है सकल घरेलू उत्पादन में कृषि के योगदान में और उस पर निर्भरता जनसंख्या में पर्याप्त कमी आ जाती है। तो जैसे जैसे विकास होगा वैसे वैसे कृषि के योगदान में और उस पर निर्भर जनसंख्या में कमी आती जाएगी। तो ऐसा वैज्ञानिकों ने अर्थशास्त्रियों ने इस प्रकार का निष्कर्ष निकाला। भारत में 1950 से 90 की जो अवधि रही इसमें जीडीपी में कृषि के अंशदान में भारी कमी आई। कृषि पर निर्भर जनसंख्या के अनुपात में 1950 में 67.50% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। 1990 तक ये घटकर 64.90% ही हो पाए। तो कृषि पर जो निर्भरता थी वो कम नहीं हुई, लेकिन जो कृषि के अंशदान था जीडीपी में वो काफ़ी कम हो गया। तो ये इस क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे जो कि हमने देखे। इसमें प्रमुख तौर पर आपको याद रखना है हरित क्रांति का समय, और UP-SSC में ये पूछा भी गया है। तो PYQ के तौर पर यही प्रश्न आया था कि हरित क्रांति का काल कब तक का था, मतलब हरित क्रांति जो आंदोलन था ये कब से कब तक चलाया गया था। सही उत्तर उसका हो जाएगा 1967 से 1990 तक, ऑप्शन में यही दिया हुआ था और सही उत्तर यही था 1967 से 1990 तक, क्योंकि ये दो चरण में चली और 66-67 से इसका प्रारंभ हुआ। 1966 से 1960 के दशक से हुआ था, तो 1966-67 का जो सन है वहाँ से इसका प्रारंभ माना जाता है और यह 1989-90 तक चली। दूसरा चरण इसका 89-90 में समाप्त हुआ। तो ओवरऑल इसका काल देखें तो 1967 से ये 1990 तक चली थी। ठीक है, इतना क्लियर है। इसके अलावा भारत में हरित क्रांति का पिता M.S. स्वामीनाथन को कहा जाता है और विश्व में नॉर्मन अर्नेस्ट वोरलॉग इसके जनक कहे जाते हैं। विश्व हरित क्रांति के जनक हैं ये। तो ये चीज़ें याद रखनी है। सबसे ज़्यादा प्रमुख तौर पर जो फसल थी वो गेहूं थी, उसके बाद धान। तो गेहूं और धान में उत्पादकता में सबसे ज़्यादा जो है परिवर्तन देखे गए इस क्रांति के द्वारा। तो ये इन फसलों के भी नाम याद रखते हैं। तो ये हमने प्रमुख तथ्य कवर किए हरित क्रांति से संबंधित। इसके आगे दुग्ध विकास या फिर ऑपरेशन फ्लड, जिसे श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है, इसको देखेंगे। ऑपरेशन फ्लड विश्व का एक विशालतम ग्रामीण विकास कार्यक्रम है। ऑपरेशन फ्लड जिसे सफ़ेद क्रांति या फिर श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है, ऑपरेशन फ्लड भारत के राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा शुरू किया गया था। तो यह
NDDB के द्वारा शुरू किया गया था, भारत का जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है उसके द्वारा इसको शुरू किया गया था इस कार्यक्रम को, और ये 1970 में शुरू हुआ था। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1970 में प्रारंभ हुआ था। और श्री वर्गीज कुरियन है एक, जिनको व्हाइट क्रांति यानी कि श्वेत क्रांति का पिता कहा जाता है, श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं श्री वर्गीज कुरियन। गुजरात के आणंद में स्थानीय किसानों को जब दूध का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा था, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल की पहल पर गुजरात के कैरा आणंद के किसानों के समूह ने 1949 में अमूल नामक की एक ऑपरेटिव की स्थापना की थी। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ने डेयरी क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार गोपाल रत्न पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की। तो एक पुरस्कार है जो कि डेयरी क्षेत्र के लिए दिया जाता है, डेयरी क्षेत्र के जो लोग होते हैं उनको दिया जाता है, और ये एक राष्ट्रीय पुरस्कार है, नेशनल अवार्ड है, गोपाल रत्न अवार्ड। ई गोपाला उत्पादन पशुधन के माध्यम से धन का सृजन ऐप, तो ये ई गोपाला एक ऐप की बात हो रही है, और ये किसानों के प्रत्यक्ष उपयोग के लिए एक समग्र नस्ल सुधार बाजार और सूचना पोर्टल के रूप में काम करता है। ई गोपाला पशुधन से संबंधित एक एप्लीकेशन है, और गोपाल रत्न पुरस्कार दिया जाता है किसको, डेयरी से संबंधित लोगों को। इसके आगे अगला तथ्य आप देखेंगे, डेयरी विकास पर राष्ट्रीय कार्ययोजना 2022 में आई, यह दूध उत्पादन बढ़ाने और डेयरी किसानों की आय को दुगना करने का प्रयास था। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम और राष्ट्रीय कृषि गर्भाधान कार्यक्रम, तो इसे देश में पशुओं में जो खुरपका और मुंहपका रोग होता है और ब्रुसेलोसिस को नियंत्रित करने के लिए, समाप्त करने के लिए शुरू किया गया था। तो कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम और पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, ये दोनों खुरपका मुंहपका जो रोग है पशुओं में हो जाता है, फुट एंड माउथ डिसीज इसको कहते हैं, तो इस पर रोकथाम के लिए प्रारंभ किया गया था। इसके बाद अगला कार्यक्रम है राष्ट्रीय गोकुल मिशन, इसे 2019 में एकीकृत पशुधन विकास केंद्र के रूप में 21 गोकुल ग्राम स्थापित करने के लिए लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन फ्लड ने डेयरी उद्योग से जुड़े किसानों को उनके विकास को स्वयं दिशा देने में सहायता दी, और उनके द्वारा सृजित संसाधनों को नियंत्रित कर उनके हाथों में दिया। राष्ट्रीय दुग्ध जो दुग्ध ग्रिड है, यह देश के दुग्ध उत्पादकों को 700 से अधिक शहरों और नगरों में के उपभोक्ताओं से जोड़ता है। इसके अलावा इसके फलस्वरूप दूध के मूल्यों में होने वाले मौसमी और क्षेत्रीय परिवर्तन काफ़ी कम हो गए, साथ ही साथ यह सुनिश्चित हुआ कि उत्पादकों को नियमित आधार पर पारदर्शी तरीके से उचित बाजार मूल्य मिलता रहे। ऑपरेशन फ्लड की आधारशिला ग्राम दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां हैं, और ये समितियां उत्पादकों से दूध खरीदती हैं, उन्हें जरूरी जानकारी और सेवाएं देती हैं, और उन्हें आधुनिक प्रबंधन और प्रौद्योगिकी की भी सुलभ कराती हैं। ऑपरेशन फ्लड के उद्देश्य देखेंगे आगे, इनमें क्या क्या उद्देश्य शामिल रहे। तो पहला उद्देश्य था इसका मिल्क फ्लड यानी कि दूध उत्पादन में वृद्धि करना, ग्रामीण क्षेत्र में आय में वृद्धि करना, उपभोक्ताओं को उचित दाम पर दूध उपलब्ध कराना। कार्य जो कार्यक्रम था इसका क्रियान्वयन ऑपरेशन फ्लड के 3 चरणों में लागू किया गया। तो इसके 3 चरण रहे ऑपरेशन फ्लड के, यानी कि जो दुग्ध क्रांति थी, श्वेत क्रांति थी, ये 3 चरणों में चली, और वहीं अगर हरित क्रांति की बात करें तो उसके 2 चरण थे। अब जो श्वेत क्रांति थी ये 1970 में प्रारंभ हुई, इसका जो प्रारंभ है 1970 से माना जाता है, तो ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो ये भारत देश है, सही उत्तर इसका भारत हो जाएगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन भारत करता है, भारत दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तो ये हमने हरित क्रांति और श्वेत क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखे। इसके आगे अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।